नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम प्लासी और बक्सर के युद्धों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। आपको एक एक प्रश्न मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न नोट करना है बहुत अच्छे से, और नोट्स बनाने हैं दोनों लड़ाइयों का। इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण मैं आपके लिए वीडियो बना करके लाऊंगा, सेगमेंट बना करके लाऊंगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, कई प्रकार से प्रश्न आ चुका है दोनों युद्धों से। क्योंकि दोनों युद्धों का अंग्रेजों के हिसाब से देखें, अंग्रेजों के तरीके से देखें, ब्रिटिश सरकार के हिसाब से देखें, या ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़रिए से यदि देखेंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनके हिसाब से, ना कि भारत के हिसाब से या बंगाल के हिसाब से। इन दोनों युद्धों के बाद ही पहला प्लासी का युद्ध 1757 में और दूसरा युद्ध उसके कुछ वर्षों के उपरांत हुआ 1764 में। इन दोनों युद्धों के और लड़ाई के बाद ही अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है भारत में, भारत मतलब बंगाल में प्रभुत्व स्थापित होता है, क्योंकि बंगाल में ही इस वजह से सबसे पहले उन्होंने अधिकार स्थापित किया। उस समय बंगाल सबसे धनी राज्य था, बंगाल को स्वर्ग कहा गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आता था, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको पड़ा इस दोनों युद्धों के दौरान। तो सबसे धनी राज्य होने के लिए सबसे इसे कहा गया स्वर्ग कहा गया, भारत का सबसे ज्यादा धनी राज्य था, सबसे ज्यादा पैसा था इस राज्य के पास। तो अंग्रेजों की पहली पसंद उसी राज्य पे थी जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे विस्तार बड़ा राज्य है, और यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा हमें मिलेगा अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने भी कौन से राज्य की तरफ निगाह की या नजर किया, बंगाल की तरफ। तो पहला युद्ध लड़ा उन्होंने प्लासी का और दूसरा युद्ध लड़ा बक्सर का, जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया होगा। समझते हैं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है? तो देखिए एक एक पॉइंट नोट कर लेना, आप कभी गलत नहीं करोगे। तो हेडिंग डालिए प्लासी का युद्ध और वर्ष है 1757। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखेंगे आप प्लासी के बारे में कि प्लासी जगह है कहाँ पे। तो देखिए प्लासी का जो स्थान है वो बंगाल में ही है, बंगाल में एक जिला पड़ता है नदिया जिला, तो नदिया जिले में स्थित है। यहाँ पर नदी बहती है गंगा नदी, गंगा नदी के ही किनारे है, इस जिले से होकर के गंगा जी बहती है। तो यहाँ पर नदिया जिले में बंगाल के में स्थित है एक गांव, जिस गांव का नाम है प्लासी गांव, और इसी प्लासी गांव के मैदान में या गांव कह लीजिए या इसी के क्षेत्र में पहला युद्ध होता है, जिसका नाम भारतीय इतिहास में प्लासी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जगह का नाम क्या था, प्लासी था। आपके लिए जो प्रश्न आता है वो डायरेक्ट लिख करके आता है प्लासी का युद्ध इनमें से कौन सी वर्ष में हुआ, सिर्फ आप ये याद रखना, लेकिन उसके अलावा और जानकारी इसके बारे में आप जान लीजिए इस क्लास के माध्यम से, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका, नदिया जिले में स्थित है, जगह का नाम प्लासी। अब प्लासी क्यों नाम पड़ा, अगर देखो प्लासी के बारे में बात करें तो यहाँ पे खेती होती थी प्लास नामक फूलों की, प्लास नामक फूलों की काफी समय से यहाँ खेती होती थी, फ्लावर्स की, ठीक है? तो प्लास नामक फ्लावर्स की खेती होती आई, और इन फूलों से होली के लिए क्या बनाया जाता था, रंग बनाया जाता। होली आती थी, होली का त्यौहार आता था, इन्हीं फूलों से क्या बनाया जाता था, रंग, ठीक है, या कलर बनाया जाता था इंग्लिश में बोले, और उससे होली खेली जाती थी वहां पे, ऐसी परंपरा रही है अगर इसके इतिहास में डेप्थ में जाएंगे तो, ठीक है जी। तो इस वजह से क्योंकि प्लास नामक फ्लावर्स की खेती वहां पे होती थी और होली के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कलर बनाने के लिए, तो प्लास से शब्द आ गया प्लासी। तो प्लासी वही जगह जहां पर यह युद्ध होता है, तो ऐसे करके नाम पड़ा कौन से जिले में, नदिया में, कौन सी नदी बहती है, गंगा जी। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि प्लासी की जो लड़ाई हुई उसमें भाई कौन लड़ा अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव, ये मुख्य व्यक्ति था, क्योंकि मद्रास का गवर्नर था, वहां से मद्रास से इधर बुलाया गया था। कहाँ का गवर्नर था, मद्रास का, रॉबर्ट क्लाइव, वहां से बुलाया था बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए बेटा, इस तरीके से तैयारी करो, पढ़ो ऐसा कि कुछ छूट ना पाए, ठीक है? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव की सेना में 1100 यूरोपीय लोग थे, मतलब अंग्रेज थे, इनमें 200 सिपाही ऐसे थे जो बंदूक चलाते थे, बंदूकची बोलते थे इनको, है ना, लिख लीजिएगा, वैसे ही स्ट्रेंथ के तौर पर बता रहा हूँ मैं। कौन सी सेना ज़्यादा भारी थी, कौन सी सेना हल्की थी, अंग्रेजों के पास कितनी ताकत थी और हमारे नवाब के पास कितनी ताकत थी, थोड़ा सा रेशियो के आधार पर आपको जानकारी के लिए लिखा है ये डाटा मैंने। तो 11 से लोग थे किसकी सेना में, रॉबर्ट क्लाइव की सेना में, जो कि प्लासी के युद्ध को, और 200 लोग उसमें कौन थे, बंदूक वाले थे, बंदूकची बोलते बंदूक वालों को, ठीक है? अब आ जाते नवाब, अब नवाब कौन था, नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था इस युद्ध में, जो कि ताकतवर नवाब था। इनकी सेना में 4500 सैनिक थे। ये डाटा अलग अलग पुस्तकों में अलग भी और भिन्न भिन्न पाया जा सकता है, इस वजह से आप डाटा को दिमाग में बिल्कुल ना लें, लेकिन आपको कुछ एक किताब के तौर पर मैंने ये डाटा लिखा है।
4500 सैनिक थे जिसका नेतृत्व तीन राजद्रोही कर रहे थे। राजद्रोही, ध्यान देना क्या नाम लिखा गया यहाँ पे, राजद्रोही मतलब, राजद्रोही का मतलब है जो अपने राज्य से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से द्रोह कर रहे हैं, अपने देश के विपरीत गतिविधियां कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ जा करके चीजों को कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं दूसरे लोगों से मिलकर के, ऐसे लोगों को बोलते हैं राजद्रोही। आज भी हमारे संविधान में, कानून में, आईपीसी की जो इंडियन पेनल कोड है 1860 में जो बना कैनिंग के समय में, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 124 लगाया जाता है, उसके तहत राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है जब देश के या राज्य के खिलाफ गलत गतिविधियों में पाए जाते हैं लोग, उनके खिलाफ लगाती भी हैं सरकारें। तो तीन राजद्रोही थे बंगाल की नवाब की सेना में। कौन कौन राजद्रोही थे? एक तो मीर जाफर था, एक यार लतीफ था, एक राय दुर्लभ था। ये तीनों नेतृत्व कर रहे थे, तीनों नेतृत्व कर रहे थे और तीनों राजद्रोही थे। शब्द को लिख लेना क्यों थे, मैं अभी बता रहा हूं आपको, आगे देखते हैं। 23 जून 1757 को, ये डेट लिख लेना, इस तारीख को ये युद्ध शुरू हुआ था। कौन सी तारीख को? 23 जून। अब समझ रहे हैं 23 जून को बराबर है कि कहाँ पर रही है, गर्मी, गर्मी में लड़ाई है रही है। एक तो पसीना वैसे ही छूट रहे होंगे गर्मी में, और ऊपर से युद्ध में पसीना छूट रहे हैं दोनों तरफ से। तो 23 जून को ये युद्ध है रहा है 1757 को। कौन सी जगह लड़ाई होती है? पिलासी नामक जगह पर, नामक मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। साहब कौन कौन सी सेना आमने सामने आ गई? जिसमें नवाब, बंगाल के नवाब थे और हेक्टर मुनरो थे। तो आगे बात करते हैं, युद्ध शुरू होता है जिसमें नवाब के वफादार सिपाही, वफादार सिपाही थे साहब बंगाल के नवाब के, एक का नाम मीर मदान, दूसरे का नाम मोहनलाल, ये लड़ते हुए मारे गए साहब। जे बहादुर व्यक्ति थे दोनों बंगाल के नवाब के, मीर मदान नाम था एक का, दूसरे व्यक्ति का मोहनलाल, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, या आप कह सकते हो मारे गए। किसके लिए? अपने बंगाल के लिए, अपने बंगाल की धरती के लिए, अपने बंगाल की मिट्टी के लिए, अपने नवाब की सेना के लिए, या नवाब के पूरे राज्य के लिए। दो लोग जो वफादार व्यक्तियों में इनकी गिनती है, मीर मदान और मोहनलाल, लड़ते लड़ते ये मारे जाते हैं। ठीक है, अब जो नवाब थे वो कौन थे? सिराजुद्दौला थे, लिख लेना। सिराजुद्दौला की सेना के तीनों धोखेबाज, फिर शब्द आ गया इनके लिए, तीनों धोखेबाज, जो कि नवाब को इन्होंने पता नहीं चलने दिया भाई साहब, और ब्रिटिश सरकार से, माफ कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव से इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, बातचीत कर ली थी, युद्ध में तो आएंगे हम लेकिन युद्ध में हम भाग नहीं लेंगे, बस खड़े रहेंगे वहां टेसू की तरह खड़े रहेंगे, बिल्कुल जैसे टेसू होते हैं, नहीं टेसू खेलते हैं, अब आने वाला टेसू का सीजन दशहरा भी खेलते हैं, स्टार्टिंग होती है, गीत भी होते हैं, कौन कौन से गीत होते हैं? हाँ टेसू ठाड़ो आगना, ठीक है। तो ये लोग पूरी प्लानिंग, पूरा योजना इन्होंने बना लिया, कौन से लोगों ने बना लिया? तीनों धोखेबाजों ने, और तीनों धोखेबाजों के नाम अभी मैंने बताए, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, ये तीनों सिपाही थे, सेना में रहते थे, सेना को कमान करते थे नवाब की सेना को ऑलरेडी पहले से। लेकिन इस युद्ध से पहले, प्लासी की लड़ाई से पहले किन से मिल गए थे? अंग्रेजों से मिल गए जाकर के तीनों के तीनों, और तीनों में जो प्रमुख था वो कौन था? मीर जाफर था। इसकी मुख्य भूमिका मीर जाफर की, देखो नवाब के साथ रह रहा है, बंगाल की सेना में रह रहा है, वहीं का खा रहा है, वहीं का पी रहा है, और पीछे से छुरा घोंप दिया उसकी पीठ में। ऐसा हमारे युद्ध में कई बार आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग पैदा या उत्पन्न हुए धरती पे जो अपने शासक को ही हरा दिया उन्होंने दूसरे लोगों से मिलकर के। जैसे आप कह सकते हैं रामायण की भाषा में, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो वाला उदाहरण यहाँ पे फिट होता है। घर का भेदी का मतलब है कि नवाब की सेना कहाँ से युद्ध लड़ेगी, कौन सी दिशा से कैसे जाएगी, क्या तकनीक है नवाब की सेना की, नवाब की सेना के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, इस पूरी चीज को आउट कर दिया, और आउट करके किन को दे दिया? पूरा और पूरा का तरीके से मैप बना करके उनको दे दिया, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के लिए आसानी हो गई, उनको कमियां पता चल गई, उन्हें ये पता चल गया कि कैसे नवाब की सेना से लड़ेंगे हम, कैसे हराएंगे उनको, है ना, उत्तर से घोड़े आएंगे कि दक्षिण से हाथी आएंगे, कि पैदल सेना कौन सी दिशा से आएगी, ये पूरी प्लानिंग बता दी उनको। जब हमारी प्लानिंग को हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति दूसरे को बता देगा तो उसे आसानी हो जाएगी हमें हराने में और हमें परास्त करने में। वही हुआ बंगाल के नवाब के साथ, चूंकि ये तीनों प्रमुख व्यक्ति थे बंगाल के नवाब के, मीर जाफर सबसे प्रमुख व्यक्ति था। तो ये अंतिम समय में किससे मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव से, जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, उससे मिल गए। युद्ध में तो आए लेकिन ऐसे खड़े रहे, बिल्कुल शांत है कि बाबूजी की तरह, मतलब युद्ध में लड़ो जानते हो कि शांत खड़े हुए जानते हो, बिल्कुल सरपत्ते नमा उठाड़े है कि कहूँ जाएंगे पता ना है, यहाँ को है कि होंगे पेड़ वेड़ नमा वृक्ष नमा जाएंगे, ये लिखा है पिलासी में। युद्ध क्षेत्र में आके, युद्ध मैदान में आके तीनों के तीनों लोग खड़े रहे, एक भी गोला दागे बगैर, इनकी जिम्मेदारी थी गोला दागना, कौन सी सेना पे? अंग्रेजों की सेना पे। एक भी गोला दागे बगैर तीनों के तीनों वापस लौट गए।
चलो, उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरा षड्यंत्र था, पूरी योजना उन्होंने बना बना ली थी, और इनको लालच दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि आप हमारी तरफ आ जाओ, हमारी मदद कीजिए, बंगाल के नवाब को हरवाइए, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस लालच में आकर के इन लोगों ने अंग्रेजों की तरफ चले गए। और इस महाशय को तो महाशय तो नहीं कहेंगे, चूंकि महाशय लायक है नहीं जी। महाशय का मतलब होता है महान आदमी, जिसके अंदर महान आत्मा वास करती है, जो लोगों का भला करता है, कल्याण करता है, समाज के काम आता है, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण होता है उसका। इसे बोलेंगे गीदड़ व्यक्ति था ये। कौन था? गीदड़ व्यक्ति था। इसके बारे में लिखा गया है इतिहास में कि धोखेबाज व्यक्ति था, गीदड़ व्यक्ति था। और रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ इसे बोलती थी वहां की जनता, जब बाद में इसने युद्ध करवा दिया। कैसे? देखो, तो तीनों धोखेबाज एक भी गोला दागे बगैर क्या हो गया, युद्ध क्षेत्र से क्या हो गए, वापस हो गए, क्योंकि पूरी प्लानिंग कर ली। तो हमें तो हरवाना है। कौन हरवाना है? हमें नवाब हरवाना है, और नवाब का नाम नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे। नवाब इतने ताकतवर थे, अगर इनसे पहले 1757 की जी बात है, इनसे पहले मैं बात करूं 55 की, या उससे पहले 56 की बात करता हूँ, एक साल पहले की, 1756 में अंग्रेज क्या बड़े उदम दे रहे थे बंगाल में, कलकत्ता में, उस समय पूरी ताकत में था बंगाल। तो 1756 में 20 जून की घटना है, 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ ब्रिटिश अंग्रेजों को पकड़वा करके, उनकी बीवी बच्चे सब लोग शामिल थे, एक 10 बाई 10 के कमरा में भर दे, ठीक है, 10 बाई 10 के कमरे में भर दिया सभी को, और बंद करवा दिया सैनिकों से कह करके। इतने लोग भर दिए, इतने कि पता नहीं अलग अलग संख्या उसमें, पर दूसरे दिन खुलवाए तो कुछ ही लोग जीवित और जिंदे बचे। तो एक ये भी कारण था बंगाल पर युद्ध करने का। दूसरा कारण तो था ही कि बंगाल स्वर्ग था, बंगाल में सबसे ज्यादा धन था, बंगाल में सबसे ज्यादा पैसा था, इस वजह से अंग्रेजों को अधिकार करना था। एक कारण यह भी था कि बंगाल के नवाब ने 1756 को, ये भारत के इतिहास में काल कोठरी के नाम से जानी जाती है ये घटना, आप कभी पढ़िएगा बंगाल के विषय में, तो काल कोठरी के नाम से, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इंग्लिश में ये घटना 20 जून 1756 को हुई थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों की बीवियां और उनके बच्चे मारे गए थे। ये भी कारण था। तो इंग्लैंड तक खबर पहुंची कि ऐसे मार दिया है हमारे लोगों को, ठीक है। तो आगे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? मीरन के द्वारा कर दी गई, जो कि एक व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था इसमें, मीरन के द्वारा कर दी गई। तो इस युद्ध को बंगाल का नवाब हार गया, और बंगाल का नवाब ने जब देखा कि सेना मेरी छिन्न भिन्न हो गई है, और सैनिक भाग रहे हैं इधर उधर दौड़ रहे हैं, चूंकि अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग थी, पहले से उन्हें बता दिया कैसे हरानी है सेना, और तीनों लोगों ने तो भाग लिया नहीं, वो तो आए और वापस चले गए। वही मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य रोल निभाते थे, मीर जाफर मुख्य रोल निभाता था, मुख्य सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का। तीनों ही तीनों वापस चले गए। तो सेना को छिन्न भिन्न होते हुए मुगल, माफ कीजिए, नवाब भागा था अपने उसके महल की तरफ, भागा था वहां से, प्लासी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। जब हत्या कर दी गई तो देखो, ये लड़ाई कब हुई? 23 जून को। 23 जून के कुछ दिनों बाद 28 जून को 1757 को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब कैसे बना दिया? मीर जाफर को। भाई ये मीर जाफर इसी वजह से आया था, इसी वजह से नवाब को हरवाया इसने, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया तुरंत। इसे यही लालच दिया था कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। पूरा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न इससे छूटे ना। प्रश्न तो जो मैंने हेडिंग डाल दी है ना, जो टाइटल है, वहीं से आपका समाधान हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, उससे बाहर, उससे नीचे तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ विस्तार में, ठीक है। अब जब जो बंगाल का नवाब बन गया, कौन बन गया भाई साहब? मीर जाफर बना दिया। अब इसके बाद एक अंग्रेजों ने अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया, ल्यूक स्क्राफ्टन, इसका नाम था ल्यूक स्क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त कर दिया, मीर जाफर के दरबार में। भाई आपको पता है, जब प्लासी का युद्ध उन्होंने जीत लिया, बंगाल की हत्या करवा दी, सॉरी, बंगाल के नवाब की हत्या करवा दी, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, तो उन्होंने अपना आदमी नियुक्त कर दिया अपना, चूंकि उन्हें पूरी जानकारी चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना टैक्स आता है, तो पूरी जानकारी। अब जानकारी किसके माध्यम से? ल्यूक स्क्राफ्टन के माध्यम से जानकारी मिलनी थी। तो ये आदमी अंग्रेजों ने मीर जाफर के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त कर दिया कि भाई आप हमें पता करके बताओगे कितना पैसा आता है नवाब के पास, कितना खर्च होता है जनता की सेवाओं पर, किस तरीके से व्यवस्थाएं सर्कुलेट्स चलती हैं, स्थापित होती हैं बंगाल में, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करना। आगे बात करते हैं प्लासी के युद्ध के अंग्रेजों का। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रश्न पूछा जाता है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया साहब, राजनीति में आ गए मुख्य रोल में, अंग्रेज मुख्य रोल में आ गए 1757 की लड़ाई को जीतने के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट है 1757 से 60 तक, 57 से 60 यानी कि कितने साल? 3 साल ही होंगे,
3 वर्ष तक मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी साहब। और मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने कौन सी नीति की शुरुआत कर दी? फूट डालो राज करो, जो कई बार हम आपको पढ़ाते हैं, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की क्या नीति रही भारत में? फूट डालो और राज करो। 2 शासकों में फूट डाल दी भारत के में, कोई अवध का है, कोई बंगाल का है ना, कोई दूसरे हिस्से का है, तो आपस में फूट डाल दी, आपस में भिड़ा दिए, कुछ अपनी तरफ मिला लिए और शासन कर लिया अंग्रेजों ने। इसी नीति के साथ, इसी पॉलिसी के साथ भारत में शासन कर गए लगभग 200 साल तक अंग्रेज। और अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नीति को कहा कब प्रारंभ किया? इस लड़ाई के बाद, इस युद्ध के बाद। युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके फूट डालो और राज करो वाली नीति को स्थापित कर दिया सबसे पहले बंगाल में। नोट कर लेना, अब बंगाल का जो नवाब था वो मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद क्या है, बंगाल का ये एक जिला है इस समय, है ना, वहां पे बैठा था। तो मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्लाइव का क्या बोला गया? गीदड़ कहा गया जनता के द्वारा, जो वहां की जनता थी, क्लाइव का गीदड़। क्लाइव कौन है? जो रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई को लड़ा था प्लासी की को। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव के हिसाब से उसने काम किया पूरा का पूरा, 3 करोड़ रुपए बहुत हो गए भाई साहब। जब आज के समय में आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति जॉब लगा लेगा अच्छी खासी तो जीवन में कमा नहीं पाएगा बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से, 2 नंबर से भी छोटी मोटी नौकरी में बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। 3 करोड़ रुपए बहुत हो गए, पूरा जीवन निकल जाएगा, है ना। अगर बात करें तो उनके बच्चे भी अगर लग जाएंगे नॉर्मल किसी नौकरी पे, तो वो भी नहीं कमा पाएंगे 3 करोड़ रुपए। कई जनरेशन निकल जाएंगी 3 करोड़। उस समय, इस समय 2023 चल रहा है, उस समय के भारत में 1757 का मतलब 18वीं सदी की लड़ाई बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी सदी आंसर में दोगे? जो लड़ाई कब हो रही है? 18वीं सदी में। 18वीं सदी के भारत में 3 करोड़ रुपए रिश्वत देता था मीर जाफर किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके खर्चे के लिए, उनके रहने के लिए, उनके शान शौकत के लिए, उनके जाने आने के लिए पूरे 3 करोड़ रुपए दिए जाते थे रिश्वत के। ठीक है, तो इस वजह से मुर्शिदाबाद के लोगों ने क्या कहा? मुर्शिदाबाद बंगाल का एक जिला है जहां पे वो बैठता था। क्लाइव का क्या बोला? गीदड़। ये तो क्लाइव के हिसाब से, मतलब क्लाइव की कठपुतली है, जैसा रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है वैसे ही काम कर रहा है, उसी हिसाब से काम कर रहा है, तो गीदड़ कहा गया इसे क्लाइव का। अब अंग्रेजों ने देखो, वाणिज्य के मतलब कॉमर्शियल जो व्यापारिक काम होते हैं, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीमे धीमे अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीतने के बाद, जो बंगाल के अंतर्गत बंगाल के नवाब के हाथ में अधिकार थे, जैसे व्यापार के अधिकार हों या राजनीतिक अधिकार हों या सैनिकों के अधिकार हों, उनमें धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे अब हमारे हिसाब से चलेगा बंगाल, हम जैसा चाहेंगे वैसे चलेगा, हम जैसे सिद्धांत नियम रूल रेगुलेशन बनाएंगे इस हिसाब से। तो जैसे जैसे हस्तक्षेप अंग्रेजों का बढ़ता गया, तो मीर जाफर ने भी त्यागपत्र दे दिया अपने नौकरी से, नौकरी इन द सेंस ऑफ नवाब से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। तो मीर जाफर भी चला गया त्यागपत्र दे करके, तो अपने दामाद किसको बैठा गया? मीर जाफर को। क्योंकि अंग्रेजों का दखलंदाजी ज्यादा हो गई, ईस्ट इंडिया की दखलंदाजी ज्यादा हो गई बंगाल के हिस्से में, ठीक है, वो उसे ठीक नहीं लगा। तो मीर जाफर के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? नवाब, माफ कीजिए, या नवाब शब्द लिखेंगे, मीर जाफर का दामाद था जे, और दामाद का नाम है मीर कासिम, बनाया गया, जो कि कब तक रहा? 1760 से 1765, तो कितने साल तक रहा? 5 वर्षों तक रहा। नाम था इसका मीर कासिम, ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे, उसका भी नाम माँ से है, इसका भी नाम माँ से है, पहला था मीर जाफर, दूसरा है मीर कासिम, और जिस शहर में बैठते थे उसका भी नाम क्या है? मुर्शिदाबाद, ये भी माँ से ही है। तो शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो आप, मुर्शिदाबाद में बंगाल के में शासन करता था पहले मीर जाफर, फिर मीर जाफर ने अपने दामाद को उत्तराधिकारी बना दिया जिसका नाम मीर कासिम। वो परेशान हो गया, वो थक गया भाई, कब तक देंगे पैसा, ये तो हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है, वो तो बढ़ेगा ही बेटा, तूने जो लालच में आके काम कर दिया गलत अपने नवाब के साथ, जिस व्यक्ति ने तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया उसकी सेना में रहा उसी को मरवा दिया, ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप पढ़ो पेपर के लिए। बक्सर का युद्ध हेडिंग डालेंगे अब, बक्सर के युद्ध में 1764 का युद्ध है, और सदी कौन सी है? 18वीं सदी में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है बक्सर, जो कि बनारस, यूपी का बनारस है, उसके पूर्व में स्थित है, जो कि वर्तमान में बिहार का हिस्सा है, वर्तमान में किसका हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है, ये हो गई पहली लोकेशन। और आप जानते हैं वाराणसी में या बनारस में भी कौन सी नदी बहती है? गंगा जी बहती है। घाटों की संख्या कितनी है? 84। महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, और सारनाथ में जब पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
इस पॉइंट को भी याद रखना। इस तरीके के पॉइंट सिलेबस में है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के में, वहां से पूछे जाने की संभावना है पूर्णतः। प्रश्न ये भी आ सकता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, या कुशीनारा में हुआ, या उस समय जो राज्य का नाम था छठी शताब्दी, वो मल्ल था, मल्ल एक गणतंत्र राज्य था जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि यूपी का पूर्वी हिस्से का जिला है, तराई के इलाके में आता है। अब देखो ये लड़ाई कब भाई, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध शुरू हुआ, 23 अक्टूबर को शुरू होता है, डेट लिख लेना। अंग्रेजों ने अवध की सेना से, सुनो भैया, इस युद्ध में भी क्या किया अंग्रेजों ने, प्लासी की जस्ट युद्ध की तरह अंग्रेजों ने अवध की सेना से असद खान, साहूमल और जैनुल आबदीन को धन का लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया। देख लो अंग्रेज कितने, समझ रहे हैं? अब समझ ही रहे होंगे तुम, फूट डालो और राज करो, समझ गए? फूट डालो और राज करो का मतलब यहीं पे स्टार्टिंग कर दी उन्होंने, प्लासी के युद्ध में फूट डालो। तो फूटी तो डाल रहे हैं शासकों में, भारत के शासकों में, और फूट डाल के कुछ, किसी को पैसा का लालच दे रहे हैं, किसी को नवाब बनाने का लालच दे रहे हैं, किसी को कोई और अन्य लालच दे रहे हैं, और वो लालच में आ रहे हैं, वो अपने ना राज्य को देख रहे हैं, ना अपने देश को देख रहे हैं, ना अपनी मिट्टी को देख रहे हैं, ना अपने वतन को देख रहे हैं। ठीक है, वतन को देखने वाले थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जतिन दास थे, सूर्यसेन थे, इन्होंने वतन के लिए लड़े, वतन के ऊपर न्यौछावर हो गए, कम उम्र में न्यौछावर हो गए, अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई लड़ी देश के लिए। शहीद भगत सिंह जी का आज के दिन क्या है, जन्मदिन भी है, आज ही के दिन जन्म हुआ था उनका। ऐसे महापुरुषों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की नमन करती रहनी चाहिए और करती रहेंगी ऐसे महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपने कम उम्र में अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने हमारे देश को खड़ा किया। उस देश में आप और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो देश को पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे स्तर तक ले जाना चाहिए, ये आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी है। इसीलिए वो ऐसा भारत दे करके गए थे। तो देखो, अवध की सेना से असद खां, साहूमल और जैनुल आबदीन को धन का लालच दे करके तोड़ लिया। अब यहाँ पे भी पैसे का इस्तेमाल किया, धन का, यहाँ पे दिया काय का लालच कि नवाब बना देंगे, तो वो उस तरफ आ गया, और यहाँ पे पैसे का लालच दे दिया, तो ये पैसा ही चक्कर में आगे बताओ राज्य छोड़ गए। कितने कमीने टाइप के आदमी है, क्या बताएं अब आपको, लेकिन पढ़ो, आपको नौकरी के लिए आते हैं ये पेपर में बहुत। तो व्यक्ति का नाम असद खां, साहूमल जो कि रोहतास, बिहार का एक रोहतास जिला पड़ता है, वहां का जो सूबेदार था उस समय, जैनुल आबदीन उनको धन का लालच दिया कि पैसा देंगे भैया हमारी तरफ आ जाओ, और जो चले भी गए, ये इतने क्या कम्युनी टाइप के इंसान थे, चले भी गए पैसे के चक्कर में, अपने राज्य को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके, तीनों के तीनों। ठीक है, अब आगे देखो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध संयुक्त सेना को हरा दिया गया, और काय के आधार पर हराया, सैन्य क्षमता के आधार पर हराया, सैन्य ताकत के आधार पर हराया। इस युद्ध को पूछा जाता है कि भाई प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया 1757 23 जून को, कौन से आधार पर जीता अंग्रेजों ने या रॉबर्ट क्लाइव ने? कूटनीति के आधार पर जीता, डिप्लोमेसी के आधार पर जीता। कूटनीति इसी को कहते हैं कि दूसरे की सेना में से लोगों को अपनी तरफ ले लिया लालच दे करके, और ये जीता गया सैन्य ताकत के दम पे, अंग्रेजों की सेना यहाँ ज्यादा थी। ठीक है, तो सैन्य क्षमता के आधार पे जीता था, नोट करके इसे लिख लेना, कौन सी लड़ाई जीती सैन्य क्षमता के आधार पे, सैन्य ताकत के आधार पे, बक्सर का युद्ध वर्ष 1764। अब देखिए, इसमें तीन शासक लड़ रहे थे भारत की तरफ से, कितने शासक लड़ रहे थे? तीन, भारत की तरफ से तीन शासक लड़ रहे थे। इसको कौन कौन से शासक लड़ रहे थे? अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नवाब माफ कीजिए सुजाउद्दौला। दिल्ली के शासक थे शाहआलम सेकंड। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये तीन लोग मिलके लड़े, किन से लड़े? हेक्टर मुनरो से। फिर भी हेक्टर मुनरो ने तीनों की सेना को हरा दिया, और इसी को बोला गया संयुक्त सेना। संयुक्त सेना का मतलब तीन लोगों की सेना शामिल थी, तीन राज्यों की सेना शामिल थी इसमें, मीर कासिम, शाहआलम। अच्छा, ये भी कहा गया है कि ये गुप्त रूप से शामिल था, गुप्त रूप से अंग्रेजों की तरफ शामिल था, ये इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है। दिल्ली का शासक शाहआलम सेकंड गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ शामिल था इस युद्ध में, इस वजह से और हार झेलनी पड़ गई, इसके बारे में ये भी कहा गया है। अब लगा लो अंदाज, अंग्रेजों के साथ जब इतने लोग शामिल हो जाएंगे, तो फिर कैसे लड़ाई जीती जाएगी, कैसे युद्ध जीता जाएगा? ठीक है, तो भाई पढ़ो तुम जाए, और पेपर में आना हो जी, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लो। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने देखो बिहार पे, बंगाल पे, उड़ीसा पे, तीनों राज्यों पे अधिकार प्रभुत्व स्थापित हो गया,
और अवध कृपा पात्र बन गया अंग्रेजों का, मतलब अवध अंग्रेजों के रहमो करम पे चलने लगा फिर, क्योंकि अवध का जो सुजाऊ दौला था उसने आत्मसमर्पण कर दिया सब अंग्रेजों के सामने, सरेंडर हो गया। क्या हो गया? सरेंडर हो गया। जैसे बॉर्डर पिक्चर आपने देखी होगी, रात में सनी देओल जाता है दो तीन जवानों को लेकर के चेक करने के लिए, तो एक जगह आग जल रही होती है, उसमें बताते हैं वो ताप रहे होते हैं, वहां पे घास खा रहे होते हैं ऊँटों को। अब रेगिस्तान जैसी जगह में अब घास दूर दूर तक कहाँ से आएगी बताओ? रेगिस्तान का मतलब डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब पानी नहीं होना, पानी नहीं होने का मतलब है कोई वनस्पति नहीं होगी, कोई घास नहीं होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो घास आई कहाँ से वहां पर? तो घास आई उस दूसरे क्षेत्र से आई, पाकिस्तान साइड से आई, जो सीमा लगी हुई है हमारे पश्चिमी जिलों की, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहां से, है ना? तो माई बाप करते हैं ना, माई बाप थाना और जानो है, इधर से ही आए हैं, ऐसा बोलते हैं उसमें डायलॉग है, ठीक है? तो जैसे वो माई बाप बोलते हैं ना सनी देओल से उसमें, कि माई बाप हमको यही जाना है, खाना खाने रुक गए हम। तो अवध जो राज्य था भारत का, ये अंग्रेजों का क्या बन गया? कृपा पात्र। अब अंग्रेज इसे अपने हिसाब से चलाएंगे, क्यों चलाएंगे? जो अवध का व्यक्ति था, क्या नाम है इसका? सुजाउद्दौला। इसने तो समर्पण ही कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और शाह आलम जो दिल्ली का शासक था, इसने भी सरेंडर कर दिया इस लड़ाई के बाद। और तीसरा जो शासक था मीर कासिम, वो छोड़ के भाग गया, चला गया बिल्कुल, इसके बाद में फिर मृत्यु हो गई। तो इन दोनों ने जब सरेंडर कर दिया, तो अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बट ईस्ट इंडिया की ताकत बढ़ गई, और ईस्ट इंडिया ने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया तीन राज्यों पर, उसमें उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अंग्रेज कौन से युद्ध के बाद स्थापित होते हैं पूरी ताकत के साथ, तो बक्सर के युद्ध के बाद। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब हो गई? प्लासी के युद्ध के साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। संयुक्त गठबंधन इसे बोलते हैं, संयुक्त गठबंधन की सेना की पर्याप्त तैयारी नहीं थी। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि भाई ये युद्ध तो लड़े लेकिन बिना तैयारी के लड़े, इस वजह से हार गए ये तीनों लोग। युद्ध तो लड़े बक्सर का, कौन कौन से? अवध वाले, दिल्ली वाले और बंगाल वाले, तीनों मिलके लड़े, लेकिन इन तीनों की सेना की पर्याप्त तैयारी नहीं थी, जो किसी एक युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, ये इतिहासकारों ने कहा है, इस वजह से भी इस युद्ध को हार गए, ठीक है? अगला पॉइंट, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला ने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आगे जो लिख रहे हैं, मीर जाफर की मृत्यु तो हो गई, उसके बाद उसके पुत्र किसको? नजमुद्दौला को, या मीर जाफर गलत हो गया, मीर कासिम आएगा यहां पे। मीर कासिम की मृत्यु के बाद, मीर कासिम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला था, इसको बंगाल का नवाब बना दिया। किसने बना दिया बंगाल का नवाब? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। और जो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे कठपुतली की तरह काम किया इसने, बिल्कुल कठपुतली की तरह से, ठीक है? तो ये थे दोनों युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। कोई दिक्कत आपको, शक समस्या लगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तथ्य, किसी भी पॉइंट के बारे में कोशिश करिए आपको डिटेल से चर्चा करने की, ठीक है? इससे जो भी जैसा भी प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को मैं बताऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा, पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा, जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है? पुरानी मेरी क्लासेस या मेरे चैनल से पढ़ी हुई जो भी क्लासेस आप देख लें, UP SSSC पैट वाले पुराने पेपर उठा के देख लेना, हमारी क्लास उठा के देख लेना, एक एक क्वेश्चन, ये गारंटी है कि बेटा बाहर नहीं है क्लास से। और अच्छे से अभी पढ़ जाना, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, जो जी के 50 नंबर की आ रही है, 50 नंबर के पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? वो भी प्रश्न उन क्लासों को आप देखते रहिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, सारी चीज पढ़नी है। इकोनॉमी की क्लास बनाऊंगा आपके लिए बहुत अच्छे से, उस पर अभी काम चल रहा है। तो इकोनॉमी क्लास जैसी कंप्लीट होगी तो उसके लिए मैं UP SSSC पेट का जो 5 नंबर का पोर्शन आना है उसके लिए मैं डालूंगा क्लास आपके लिए, ठीक है? तो ये दोनों लड़ाइयां थी। और फिर इसके बाद क्या होता है आपको बताइए, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद अगली बार 1765 आती है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव लंदन से फिर लौट के आता है इधर, दूसरी बार गवर्नर बनता है बंगाल का। और फिर शाह आलम से क्या करता है? संधि कर लेता है, और संधि करके फिर पूरे अधिकारों को ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवानी अधिकारों को प्राप्त कर लेती है। और दीवानी अधिकार का मतलब है पूरे के जो बंगाल की जनता से जितना भी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए टैक्स आता था वो सब अंग्रेजों को मिलने लग गया। राजनीतिक तौर से हस्तक्षेप, वो अंग्रेजों के हाथों में शक्तियाँ आ गई, व्यापारिक तौर से आ गई, पूरे दीवानी के अधिकार आ गए अंग्रेजों के हाथों में। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। तो दोनों ऐतिहासिक युद्ध थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। इन्हीं युद्धों के बाद बंगाल पर लगभग कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। बक्सर का युद्ध किसने जीता? हेक्टर मुनरो ने। और प्लासी का युद्ध किसने जीता? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव को एक पॉइंट और नोट कर लेना, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों ने स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा अपना। क्या बोला? स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक। क्योंकि
क्योंकि एक बंगाल जैसा राज्य उसने जिता दिया जो कि भारत का स्वर्ग कहा जाता था। जैसे सोने की चिड़िया बोलते हैं ना, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि भारत में इतना पैसा था, इतने संसाधन थे, तो बिल्कुल पैसा था। उसका एक जीता जागता उदाहरण बंगाल है। बंगाल में इतना धन था, इतना समृद्ध था कि आप समझ लीजिए 18वीं सदी में मीर जाफर 3 करोड़ रुपए देता था, तो कितना पैसा आता होगा लगा लीजिए, आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं इसी बात से। तो क्लास कैसी लगी ये बताएंगे कमेंट करके, और कुछ महत्वपूर्ण योद्धे हैं उनके इसी तरीके से मैं विस्तार में क्लास डालूंगा, जिससे कि आपकी दिल्ली पुलिस की या आने वाले UPSI की या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। बिल्कुल कंप्लीट फ्री कोर्स है हमारे चैनल पर, जैसा कि आपको पता ही है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि पहले से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खाते पीते रहें, आराम से मनोरंजन भी करते रहें और राधा रानी का नाम लेते रहें। अंत में राधे राधे आप सभी को बोलेंगे। अपने जीवन को ईमानदारी से पढ़ाई की तरफ समर्पित करें और पूरा पढ़ाई में समर्पित कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे।